बुक इंस्ट्रक्शन कैरी रोड भातुवसी ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। ना सिर्फ ट्रक, इटैची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शन पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आग बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शन कैरी रोड भातुवसी ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में गुरु पूर्णिमा को बड़े ही जोर से बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। शादीपुर के रामाश्रम सत्संग में भी गुरु पूर्णिमा बड़े जोरों से मनाई गई है। इसी अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हुए। हम एक एक कर उनसे जानना चाहेंगे कि आज के इस पावन अवसर पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत में पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा का त्योहार ही कहेंगे हम मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर हमारे इन द्वीप समूहों में भी हम बहुत सारे भक्त हैं जो गुरु महाराज हमारे कृष्णकांत शर्मा जी उनको फॉलो करते हैं। उनका सत्संग हर हफ्ते में 2 बार होता है। हमारा जो उपकेंद्र है, एक डॉक्टर ओमकार के घर में और एक हमारे यहाँ शादीपुर में, और ये टुंडला में इनका मेन जो हमारा सत्संग जहाँ से आश्रम है और वहाँ जन्माष्टमी के समय 3 दिन का भंडारा लगता है। यहाँ से भी भक्तगण, वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, वहाँ जाते हैं। और यहाँ जैसा कि मैंने बताया, हफ्ते में 2 दिन एक बार हमारे यहाँ और डॉक्टर ओमकार के यहाँ, या फिर कोई सत्संगी अपने घर पे करवाना चाहता है तो वहाँ पे सत्संग होता है। और इसी अवसर पर हर वर्ष हम गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ गुरु जी के सम्मान में सारे भक्त यहाँ इकट्ठे होते हैं, सत्संग चलता है, भजन कीर्तन होता है और उसके बाद भोग प्रसाद लगता है। मैं जानना चाह रहा हूँ शीला मैम कि क्या इसमें कोई पर्टिकुलर समुदाय ही हिस्सा लेते हैं या कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है? कोई भी गुरु महाराज और किसी भी सत्संगी जो होता है उसमें किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं होती है। इवन आप रामाश्रम सत्संग वहां जाओगे, टुंडला जाओगे, वहां हर धर्म के लोग होते हैं और बैठ के गुरु भजन करते हैं, कीर्तन होता है, सत्संग ध्यान लगाई जाती है। ध्यान की प्रक्रिया इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है और 20 मिनट का ध्यान लगाया जाता है तो बहुत अच्छी चीज और अच्छी सत्संग में बहुत आप जान सकते हैं कि बहुत अच्छी चीज है। गुरु को फॉलो करना मतलब ऊपर वाले तक पहुंचने का रास्ता ये बताते हैं। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो शीला मैम ने हमें दिए हैं, हमें सत्संग का मतलब भी समझाया। इसी सिलसिले में और थोड़ी जानकारी लेते हैं राजेश जी से। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार जी। गुरु पूर्णिमा भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं और गुरु की वंदना करते हैं, गुरु की ध्यान करते हैं, प्रकाश का ध्यान करते हैं।
जैसा कि हम सभी यहाँ अंडमान द्वीप समूह में आज 25वीं जयंती मना रहे हैं, हमारे गुरु महाराज साधन की क्रिया बताते हैं जो कि बहुत ही सरल और सरल क्रिया है। इसको सबके लिए ये क्रिया है, इसमें कोई धर्म जाति भेदभाव नहीं होता है। साधन पत्रिका में भी बताया है, स्वयं की किताब लिखते हैं और साधन पत्रिका में उसमें तरह तरह के लेख आते हैं जिसको कि जिसका वार्षिक मूल्य 228 रुपये है, वो हर महीने प्रकाशित होती है वृंदावन मथुरा से। इस सिलसिले में भी हम डॉक्टर ओमकार जी से भी जानना चाहेंगे कि आज के इस सत्संग को लेकर और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। जय हिंद सर। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे द्वीपों में आज हम 25वां जो है संस्थापना के बाद से 25वां गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। इतने सालों से चल रहा है, जैसा कि अभी हमसे पहले वाले वक्ता ने कहा कि इसमें धर्म की कोई सीमा नहीं है। किसी भी धर्म का आदमी जो है इसमें आ सकता है, एक साधना कर सकता है। एज ए डॉक्टर जो मुझे लगता है, देखिए आजकल जो है मानसिक रोगों का जो प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मानसिक रोगी बन रहे हैं। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि लोगों में मानसिक उद्विग्नता है, बेचैनी है। तीन जो बेसिक चीज़ें होती हैं ह्यूमन में, ईर्ष्या, द्वेष और लालच, इसके साथ ही मनुष्य पैदा होता है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए जो आवश्यक है, एक तो शिक्षा है जो हमें भेदभाव ये सब सिखाती है, दूसरा धर्म, और तीसरा ये इस तरह का भाव, आपको अपने अंदर अच्छे भाव लाने हैं। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, ये समाज से अलग रह के साधना करने का नहीं है, ये परिवार में रह के साधना करने का कंसेप्ट है। इसीलिए कोई भी परिवार, कोई भी जो चाहता है कि आज मेरे घर में सत्संग हो, तो एक दिन तो वहाँ होता है और एक दिन जो हमारा मुख्य सेंटर जो शादीपुर का ही है, रविवार को, हर रविवार को यहीं। थैंक यू सो मच। तो जैसा आपने देखा सत्संग सेंटर में, यहाँ आज बड़े ही उत्साह के साथ में कई सारे श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पे गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया, और यही संदेश सब ने दिया, चाहे शीला मैम हो, राजेश जी हो, डॉक्टर साहब हो, कि ये जो है इंसानियत के लिए है, मानव जाति के लिए है कि आपसी प्रेम भाईचारा हमारे द्वीपों में, पूरे संसार में बना रहे, जिसके लिए ध्यान लगाना कितना ज़रूरी होता है, एक गुरु की शिक्षा को किस तरीके से पालन करना, कैसे अपने जीवन में अनुशासन को लाना, इन सब के ऊपर होता है, जिसका किसी भी धर्म से या जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे हर किसी का स्वागत किया जाता है। तो अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने दिन बताए हैं, आप यहाँ के सेंटर में आके इस सत्संग का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी जो भी मानसिक परेशानियां हैं इनमें सुधार भी देख सकते हो। तो ऐसे अवसरों पर हम सबको जुड़ना चाहिए और समाज की भलाई के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। हमें बुलाने के लिए हम शीला मैम जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमारा मकसद भी इस प्रोग्राम को करने का यही था कि गुरु पूर्णिमा जिस उद्देश्य से मनाया जाता है, इस उद्देश्य को तमाम द्वीपवासियों तक पहुँचाए, ताकि हम इसके महत्व को समझें और अपने जीवन में इसका प्रयोग भी करें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यमीन, जय हिंद।